कि अगर मैंने तुम्हें मां नहीं कहा था तो मार करके कटारी अपने प्राणों को, यही गवा दोगे, आत्महत्या कर लोगे? हाँ बेटा। दुनिया वाले आना जाना करेंगे तो दुनिया वाले देखेंगे, तो इसका दोष मेरे सर पर मंड जाएगा। दुनिया वाले ये कहेंगे कि भाई सेनापति बनते ही कर्ण ने महारानी कुंती को मौत के घाट उतार दिया। पांच पांडवों से पहले युद्ध होने से पहले कर्ण ने पहले कुंती पर वार की, लेकिन जाओ मैं तुम्हें मां कह दूंगा। सच कह रहे हो? मैं तुम्हें मां कह दूंगा, लेकिन एक शर्त होगी। शर्त? कैसी शर्त? और वो शर्त ये है कि जो राज तुमने मुझे बताया है, हे मां कुंती, इस राज को या तो तुम जानो या मैं जानू या ऊपर वाला जानो, इस राज को और किसी को मत बताना। आखिर क्यों? ये दुनिया बड़ी दुरंगी है, दुनिया रो करके बूझ लेती है, हंस करके उड़ा देती है। मेरा और तुम्हारा, और बल्कि मेरा कम लेकिन तुम्हारा बदनामी का ढोल दुनिया में पिट जाए। लेकिन अब मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है, चाहे बदनामी हो चाहे कुछ भी हो। मैं दुनिया वालों को चीख चीख कर कहना चाहती हूँ कि करण बलि सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र है। मेरा इतना सा कहना मान लो, चलो मैं तुम्हारी इस बात को भी मानता हूँ कि बता देना, लेकिन जब तक ये महाभारत का युद्ध चले, चाहे ये एक दिन चले, चाहे ये 10 दिन चले, चाहे ये 1 घंटा चले और चाहे 1 महीना चले, जब तक ये महाभारत का युद्ध रणभूमि के क्षेत्र में चले, तब तक इस बात को अपने पक्ष में रखो। आखिर क्यों? इसमें मेरा कोई अपना फायदा नहीं है, इसमें अगर फायदा है तो तुम्हारा निजी फायदा। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाने का प्रयास करूंगा, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो। समझाइए बेटा। मैं खोल खोल करके समझाता हूँ कि इसमें तुम्हारा नुकसान क्या है, तुम्हारा फायदा क्या है। मैं तो उसे समुंदर मानूं, ओरी माँ जिसमें हो गहराई कि मैं उसे समुंदर मानू हूं, मां जिसमें हो गहराई। बस तो धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए करण तुम्हारा भाई रे माए, करण तुम्हारा भाई। मैं उसे समुंदर मानू हूं मां, उसे समुंदर मानू हूं मां जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए करण तुम्हारा भाई रे माए, करण तुम्हारा भाई। ही मैं उसे समुंदर मानू हूं मां जिसमें हो गहराई। बस धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कि कर्ण तुम्हारा भाई। आखिर क्यों ना कहूं? हाँ। जब तूने जाकर के धर्म युधिष्ठिर से यह कह दिया कि कर्ण तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा बड़ा भाई, तुम उसके छोटे भाई हो। कर्ण की मैं माँ हूं, कर्ण को मैंने ही जन्म दिया। क्या हो जाएगा? तू फिर पाछे पछतावेगी। फिर पाछे पछतावेगी जो
एक बे खुल जा बातें देखे सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में त्री से काते दिखे सर्वग्रहण सा पड़ जागा दिन की बदलेगी रात दिखे राजपाट तू तो राजपाट और बहु बेटों से धो बैठेगी हाथ दिखे धो बैठेगी हाथ दिखे तो अपने हाथ अपने आगे अपने हाथ चरण तुम्हारा भाई रे चरण ये पहले खुल जा भेद अगर ये पहले खुल जा भेद अगर मैं जाल रचाने ना देता अपने कुल की लाज बहू दरबार में जाने ना देता जो 13 साल जो 13 साल बनों में कटे वो कष्ट उठाने न देता चाहे इंदर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता हाथ लगाने ना देता लोगो इतनी कह के करने बलि की इतनी कह के करने बलि की भर के छाती आई से मत कहिए जो डोल के मंजिल डोले आए जो डोल के मंजिल डोले आए वो डोले डोलाए रह जाएंगे हृदय अंदर घाव छुले वो छुले छुलाए रह जाएंगे अरमानों के बाण जोर में तुले तुलाए रह जाएंगे और वेद बता दिया तो और तेरी बहू के केस जगत में खुले खुलाए रह जाएंगे अरे तेरी भी क्या मेरी भी माँ तेरी भी क्या मेरी भी माँ इसमें मान भगाई से मत कहिए ये भेद बात का खुल जाएगा तो ये भेद बात का खुल जाएगा ते नेमर दर में उठ जाएंगे तेरे एक बोल पे क्या पता नहीं
किस किस के प्रण टूट जाएंगे मुझसे पहले, मुझसे पहले। मैं तो ये समझूंगा कि पांडव से पहले मैं मरूं, लेकिन अरे मुझसे पहले उस भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी, कुछ मरे कटारी मार, और कुछ विष के घूट घूट जाएंगे, विष के घूट घूट जाएंगे। पूरा प्रण करण खाते मां, पूरा प्रण करण खाते मां, बैठे पास लगाई धर्म युधिष्ठ करे जय मत कहिए। अरे दुनियादारी के झंझट ने मान के झूठ बैठ जागा, इज्जत और आवरूदन की सहके नोट बैठ जागा। तेरी इन बातों, तेरी इन बातों का जिक्र राजबल बरक घूट बैठ जागा। फिर पता नहीं, फिर पता नहीं, फिर पता नहीं कह लद्दन सिंह किस करवट ऊट बैठ जागा, करवट ऊट बैठ जागा। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, माने कुंडी माई धर्म युधिष्ठ करे सहमत कहिए, करण तुम्हारा हो भाई, हो करण तुम्हारा भाई। Yeah।